বন্ধু রাষ্ট্র ইন্ডিয়া আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে। বাহিনীরাও কিন্তু ইন্ডিয়াতে ট্রেনিং নিয়েছে ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার জন্য। পূর্ব পাকিস্তান ছিল, এটা নিয়ে কিন্তু তারা আসলে চিন্তা করছিল আমরা যুদ্ধ করব, স্বাধীন করব এবং বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। স্বাগতম সবাইকে। বিচ্ছেদেশনে আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে একটি পুরাতন হিস্ট্রিক্যাল ভিডিও শেয়ার করার জন্য। ভিডিওটি নতুন কিন্তু একটা হিস্ট্রিক্যাল ভিডিও হবে এটা, আর ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে হোয়াই ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার ইজ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স বর্ডার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তুমিও কি তাই মনে করো? আমি অবশ্যই মনে করি, কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে বর্ডারের ইস্যুটা নিয়ে কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের প্রায় বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা লেগে আছে। অনেকগুলো ইস্যু আছে যেগুলো দুই দেশের গভর্নমেন্টের সঙ্গে মিলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা সলভ করা উচিত, তাতে আমাদের সাধারণ জনগণের দুপাশেরই উপকারিতা আর কি বলবো। কারণ প্রায় দেখা যায় যে আমাদের এই পাশে বর্ডারে কিন্তু অনেক লোক মারা যাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই ইস্যুটা আসলে অনেক ক্রিটিক্যাল এবং অনেক বড় ইস্যু। আর এই ভিডিওটা যেহেতু তুমি টেনেছো, আমি জানি না ভিডিওর ভিতরে কি আছে। হ্যাঁ, আমিও জানি না, সো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবো যে আসলে তারা কমপ্লেক্স কিভাবে চিন্তা করেছে এই জিনিসটা। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। আর ভিডিও দেখার আগে আমরা বলতে চাচ্ছি এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি আইকিউ এডুকেশন থেকে। ওনাদের অরিজিনাল ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। तो चलून देखे आशी ये वीडियो टी। कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ बॉर्डर सिचुएशन अजीब है, जैसे ऐसा क्यों है कि यूरोपियन यूनियन की सिटीज और टेरिटरीज अफ्रीका में हैं, ऐसा क्यों है कि फ्रांस अपनी सबसे लंबी बॉर्डर ब्राजील से शेयर करता है। ये सभी बातें अजीब लगती हैं। आशा ले आज पर एक ऐसी जो इन्हें सबसे विचित्र है, आप कितनी बार भी इस बॉर्डर को समझ लें इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता। यह है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इंडिया अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कैसे मैनेज करता है? हम यदि वेस्टर्न साइड से शुरू करें तो इंडो पाक बॉर्डर से इंडो चाइना बॉर्डर होते हुए इंडो नेपाल, इंडो भूटान, इंडो म्यांमार और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स हैं, जहाँ इंडिया को ट्रेड और स्मूथ फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश कलेक्टिवली इंडिया कहलाते थे, लेकिन रेडक्लिफ लाइन के खींचे जाने के बाद से इंडिया तीन टुकड़ों में बांटा गया। 1947 के बाद इंडिया से अलग होकर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। इसका फर्दर नॉमनक्लेचर 1971 इंडो पाक वॉर के बाद हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की अपनी लड़ाई को इंडिया इंटरवेंशन के साथ पूरा किया। बांग्लादेश एक अलग देश बना जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। पार्टीशन दोस्तों लोकल सिटीजन्स और कॉमन सिटीजन के लिए रूटीन प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। यूं तो लोकल सिटीजन्स 1947 के बाद से ही विभाजित हो चुके थे, पर 1971 के बाद नया देश बनने के बाद बंगाली ओरिजिन के लोग जो अपनी एंसेस्ट्री, क्विजीन, रहन सहन और ज्योग्राफी शेयर करते थे, अब भी दो अलग अलग देशों के ही लोग थे। इन इश्यूज़ के कारण इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हिस्टोरिकली सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर्स में से एक बन जाता है। हमें आज इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सिचुएशन और डिमार्केशन से लेकर इनक्लेव एक्सचेंज समझना है, तो पहले एक बार 1971 वॉर और बांग्लादेश का जन्म डीपली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, 1971 वॉर की कहानी इंडो पाक पार्टीशन से सीधी जुड़ी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान से सेपरेशन का स्टेज 1947 के बाद से ही सेट होने लगा था। जून 20, 1947 को बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने ओवरवेलमिंगली वोट किया और इंडिया से खुद को अलग किया। जुलाई 7, 47 में सिलहट में पास हुए एक रेफरेंडम ने पाकिस्तान के फेवर में इस रीजन को अलाइन किया और अगस्त 15, 1947 तक ईस्ट पाकिस्तान एक रियलिटी बना। दोस्तों, पाकिस्तान की करीब 60% पॉपुलेशन ईस्टर्न पाकिस्तान में थी। अब जियोग्राफिकली देखा जाए तो दोनों देशों के बीच इंडियन वास्ट पेनिनसुला आता है, पर इन दोनों रीजन में शुरुआत में लोग कॉमन फेथ के कारण यूनाइटेड रहे। सलमान रुश्दी अपनी बुक शेम में कहते हैं कि ये जगह एक फैंटास्टिक बर्ड है जिसके दो पंख हैं पर कोई शरीर नहीं है, ये केवल ईश्वर के कारण जुड़ी हुई है, जबकि इन्हें जिसने दो भागों में बांटा हुआ है वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान के बीच डिफरेंसेस बहुत जल्द विजिबल होने लगे। पार्टीशन के बाद
फरवरी 25, 1948 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में धीरेन्द्रनाथ दत्त ने बंगाली को इंग्लिश और उर्दू के साथ साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की मांग रखी। उनकी इस बात को नकार दिया गया और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान द्वारा दत्ता को एक रिव्यू भी सफ़र करना पड़ा। मार्च 48 में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने ईस्ट पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की आलोचना की क्योंकि उन्होंने भी बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस देने का आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। दोस्तों, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब किसी देश में कम्युनिकेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कल्चरल डेवलपमेंट किया जाए। ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान, जो अधिकतर उर्दू और पंजाबी बोलते थे, बंगाली नहीं समझने के कारण बंगाली नेशनलिस्ट के एस्पिरेशंस को समझ नहीं पाते थे। वेस्टर्न पाकिस्तान में सुपीरियरिटी और एरोगेंस होने के कारण ईस्ट पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ा। बंगाली रिजेंटमेंट केवल इनजस्टिस और ह्यूमिलेशन का केवल कल्चरल रीज़न नहीं था, बल्कि उन्हें इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का भी सामना करना पड़ा। हुआ यूं तो फॉरेन एक्सचेंज ने ईस्ट पाकिस्तान से जूट के एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कमाया और वेस्ट पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इक्विपमेंट इंपोर्ट किया। फॉरेन एड वेस्ट पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट किया गया जबकि ईस्ट पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। और 1950s में ईस्ट पाकिस्तान को जो पब्लिक फंड्स एलोकेट किए गए थे उसका बहुत ढंग से इस्तेमाल ईस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं हुआ और एक ही देश के दोनों हिस्सों के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती रही जो उनके GDP ग्रोथ में स्टार्कली दिखाई देती है। वेस्ट पाकिस्तान स्टेट दोस्तों अनडेमोक्रेटिकली मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की के कारण टाइटली सेंट्रलाइज हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगालीज के पॉलिटिकल मोटिव्स, कंसर्न्स और एस्पिरेशन को कंटिन्यूसली दबाने के साथ साथ कई सप्रेसिव मेजर्स सामने आते थे। सिचुएशन ख़राब होती गई और फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ इम्पोज किया। इंडो पाक वॉर 1971 के दो साल पहले दोस्तों जनरल याया खान ने टेक ओवर किया और नवंबर 1969 में लीगल फ्रेमवर्क फॉर जनरल इलेक्शंस के अंडर इलेक्शंस अनाउंस किए। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग एक प्रोमिनेंट लीडर शेख मुजब्बर रहमान ने कॉन्टेस्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीट्स में से 160 पर जीते। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 में से 81 सीट्स जीती। ऐसे में मुजीबुर रहमान के पास ओवरऑल मेजोरिटी थी जो पाकिस्तान के PM बनने के लिए ज़रूरी होती है। भुट्टो ने मुजीबुर रहमान के साथ नेगोशिएशंस किए पर सभी फेल्ड अटेम्प्ट थे। पॉलिटिकल नेगोशिएशंस फेल हुए और याया खान ने क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया। उन्होंने मार्च 1, 1970 को नेशनल असेंबली का इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट अनाउंस किया। मुजीबुर रहमान ने दो दिन में ही स्ट्राइक कॉल की और इस क्रैकडाउन में ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 172 लोगों की जान गई। दोस्तों, अवामी लीग के लोग भी स्ट्रीट्स पर थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे। ऐसे में याया ने ढाका में मिलिट्री ऑफिसर्स को फाइनल असॉल्ट के ऑर्डर्स दिए। मार्च 25, 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट पूरे ईस्ट पाकिस्तान में शुरू हुआ। ये एक मैसेकेयर था। बांग्लादेश का क्लेम है कि इस दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स ने करीब 3 मिलियन लोगों को मारा और रेप किया। हालांकि पाकिस्तान के हमदूर रहमान कमीशन ने बताया था कि 26,000 लोगों की किलिंग्स हुई थी। इस दौरान 10 मिलियन रेफ्यूजीज ने इंडिया में शरण ली थी। दोस्तों, इस दौरान बांग्लादेश में एक गुरिल्ला फोर्स बनाई गई थी जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जाता है। इंडिया ने अवामी लीग को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लिए अपनी बॉर्डर खोल दी थी। BSF ने इस रेजिस्टेंस में लिमिटेड एड किया। इंडियन लीडरशिप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी पर आर्मी के ईस्टर्न कमांड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मुक्ति वाहिनी के लिए रिक्रूटमेंट्स, ट्रेनिंग, आर्म्स से इक्विप करना और एडवाइस का काम किया। इंडिया ने ग्लोबल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी शुरू किया ताकि बांग्लादेश बने। अब कहानी ये हुई कि इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट पर भी वेस्ट पाकिस्तान से लड़ाई करनी थी और ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ना था। दोस्तों, पाकिस्तान ने December 3, 1971 को इंडिया पर अटैक किया और इंडिया ने फॉर्मल वॉर अनाउंस किया। ये वॉर 13 दिनों तक चला। पाकिस्तान ने USA से मदद मांगी थी और USA ने अपना वॉरशिप एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय किया था। ये वॉरशिप न्यूक्लियर कैपेबल था और उस दौरान इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लीट था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रीटी काम आई जो रशिया और इंडिया ने 1971 अगस्त में साइन की थी। इस ट्रीटी के अनुसार दोनों देश एक दूसरे के किसी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसने पर मदद करने को एग्री हुए थे। सो US के वॉरशिप एंटरप्राइज, जिसे 7th फ्लीट कहते हैं, को काउंटर करने के लिए रशिया ने अपना बेड़ा भेजा। हालांकि एस्केलेशन नहीं हुआ और लड़ाई इंडिया ने जीती।
मार्च 26, 1971 को बांग्लादेश ऑफिशियली एक नया देश बना। दोस्तों देश तो बन गया पर इंडिया के कई इलाके इस देश के अंदर फंस गए और बांग्लादेश के कई इलाके इंडिया के अंदर फंस गए। इन्हें इनक्लेव्स कहा जाता है। इंडिया की बांग्लादेश के साथ आज भी एक वियर्ड बॉर्डर है पर ये 6 साल पहले 2051 तक और ज़्यादा अजीब थी। नदन बांग्लादेश की इंडिया के साथ बॉर्डर देखें तो नज़र आता है कि ये बॉर्डर कितनी विचित्र है। इस रीजन में कई इनक्लेव्स हैं। इनक्लेव्स का मतलब है किसी देश के अंदर दूसरे देश का एक छोटा इलाका फंस जाना। हालांकि किसी देश के अंदर दूसरे देश के अंदर पहले देश का फंसना काउंटर इनक्लेव कहलाता है। काउंटर इनक्लेव का अगर एग्जाम्पल देखें तो नहावा है। दोस्तों नहावा एक यूएई विलेज है जो कम्प्लीटली ओमानी टेरिटरी से सराउंडेड है और ये ओमानी टेरिटरी अगेन कम्प्लीटली यूएई के अंडर मौजूद है। और बांग्लादेश में ऐसे दर्जनों काउंटर एनक्लेव्स मौजूद हैं। बांग्लादेश में 102 इंडियन टेरिटरीज यानी एनक्लेव्स थे जिनमें से 21 काउंटर एनक्लेव्स हैं। इस तरह इंडिया में 71 बांग्लादेशी एनक्लेव्स मौजूद थे जिनमें से 3 इंडियन काउंटर एनक्लेव्स शामिल थे। ये सभी एनक्लेव्स टेरिटोरियल आइलैंड्स होते हैं। भारत और बांग्लादेश के इन एनक्लेव्स में रहने वालों में यदि इंडिया या बांग्लादेश यानी अपने रिस्पेक्टिव देश जाना है तो उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए किसी एक देश के कुछ हिस्से को पार कर अपने देश पहुंचना पड़ता है। वियर्डनेस फिलहाल ख़त्म नहीं हुई है। दुनिया में थर्ड ऑर्डर एनक्लेव का केवल एक एग्जाम्पल भी यही मिलता है। भारत का एक छोटा सा फार्मलैंड है जो पूरी तरह से बांग्लादेश की ज़मीन से घिरा हुआ है जो फर्दर इंडियन लैंडमास में है एंड देन वो हिस्सा फर्दर बांग्लादेश में ही है। इंडिया बांग्लादेश यदि स्ट्रेट लाइन में 100 मीटर सीधा चलते हैं तो पहले बांग्लादेश फिर इंडिया फिर बांग्लादेश फिर इंडिया होते हुए बांग्लादेश में पहुँचेंगे। डेली लाइफ में स्कूल से लेकर बिजनेसेस फार्मिंग ट्रेड एक्सेट्रा पर इससे डीप इम्पैक्ट होता है। पार्टीशन प्लान जब ग्राउंड रियलिटी बना उसके पीछे ड्यूअली कंस्टिट्यूटेड बंगाल बाउंड्री कमीशन का हाथ था। इस कमीशन के चेयरपर्सन द साइरिल रेडक्लिफ जिन्हें मिस्टर जस्टिस बिजन कुमार मुखर्जी मिस्टर जस्टिस सीसी बिस्वार मिस्टर जस्टिस अबू सलीम मोहम्मद अकरम और मिस्टर जस्टिस एस ए रहमान यानी दो हिंदूज और दो मुस्लिम्स ने असिस्ट किया था। उन्हें 5 वीक्स में किसी बॉर्डर सॉल्यूशन के साथ आने को कहा गया था। ये कमीशन जून 30, 1947 में कंस्टिट्यूट की गई जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 3 के अंडर थी। इसका काम था कि बाउंड्री डिमार्केशन पर एक रिपोर्ट तैयार करें और अगस्त 15, 1947 यानी इंडिपेंडेंस डे के पहले गवर्नर जनरल को सबमिट करें। उनकी रिपोर्ट में साइरिल रेडक्लिफ ने कहा कि ये प्रोविंस बहुत कम सेटिस्फैक्ट्री नेचुरल बाउंड्रीज ऑफर करती है। वो कहते हैं कि इनका डेवलपमेंट उस डिवीजन के आइडिया से वेल अकॉर्डेड नहीं है क्योंकि मुस्लिम के कंटिन्यूस मेजोरिटी एरियाज़ और नॉन मुस्लिम मेजोरिटीज़ यहाँ रहती हैं। अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करते वक्त रेडक्लिफ कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहते थे जैसे कलकत्ता और उसकी नदियाँ गंगास पद्मा मधुमती रिवर्स के वाटर्स पर क्लेम खुलना और जैसोर मालदा और दिनाजपुर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी और चिटेगोंग हिल ट्रैक्ट्स यानी CST। CST उस वक्त केवल 3% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला इलाका था और यहाँ के नॉन मुस्लिम्स ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश में ही जाना चाहते थे। हालांकि फिर भी अगस्त 12, 1947 को रिपोर्ट गवर्नर जनरल के सामने सबमिट हुई और बाउंड्री बना दी गई। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना पर इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए थे। बॉर्डर डिमार्केशन में एक गहरी समस्या आई एनक्लेव्स की जिसके बारे में रेडक्लिफ ने भी चिंता जाहिर की थी क्योंकि बांग्लादेशी एनक्लेव्स और इंडियन एनक्लेव्स मोस्टली बॉर्डर पर थे तो आउटसाइडर्स को रियलाइज़ नहीं होता था कि वह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। लेकिन फैक्ट तो फैक्ट था, जो लोग इंडियन एनक्लेव्स में थे वो इंडियन सिटीजन्स थे और बांग्लादेश एनक्लेव्स वाले बांग्लादेशी। दोस्तों ये अजीब था कि ऐसी पॉपुलेशन एब्जेक्ट पॉवर्टी और लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज़ में रहती आई है। ये एनक्लेव्स इफेक्टिवली स्टेटलेस हैं क्योंकि दोनों देश इन पर कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे सोल्यूशन लेने की कोशिशें की गई थी जिसके चलते एनक्लेव्स एक्सचेंज होना था ताकि लोकल्स की लाइफ में बदलाव आ सके। 1949 में ही डिस्प्यूट्स देखने के बाद द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसे उस वक्त के द सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्वीडन के जज ऑनरेबल एलगॉट बैग ने हेड किया था। इसे बैग अवार्ड के नाम से जाना जाता है। हालांकि इससे कुछ खास डिफरेंस पैदा नहीं हुआ और 1958 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने न्यू दिल्ली में मीटिंग की। दोनों मिनिस्टर्स ने इंडो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया ताकि टेंशन कम हो और पीसफुल कंडीशन एस्टैब्लिश हो।
इसी दौरान सितंबर 10, 1958 को द नेहरू नून एग्रीमेंट ऑन इंडिया ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर साइन किया गया। इस एग्रीमेंट ने बैग अवार्ड के साथ साथ 24 परगनास खुलना एंड 24 परगनास जसोर बाउंड्री, भोलागंज, पियाइन एंड सुरमा रिवर्स, फैनी रिवर एंड कूच बिहार एनक्लेव्स को कवर किया था। 1971 में ऑल टुगेदर एक नई सिचुएशन पैदा हो गई क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बन गया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को फ्रेश लुक देने की ज़रूरत पड़ी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर रहमान के साथ इंडो बांग्लादेश एग्रीमेंट ऑफ 1974 साइन किया। इस एग्रीमेंट ने डिटेल में एनक्लेव्स और अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज के साथ मोडेलिटीज से डील करना लिस्टेड था। एग्रीमेंट में इंडिया को सदन बेरुबारी और एडजेसेंट मुस्लिम एनक्लेव्स रिटेन करना अलाउ हुआ और बांग्लादेश के पास दाहग्राम और अंगारपोता एनक्लेव्स का 80% कंट्रोल रह गया। सिंस ये दोनों एनक्लेव्स बांग्लादेश मेनलैंड को टच नहीं करते थे, इंडिया ने लीज इन परपेटुइटी बांग्लादेश को ऑफर की, जिसमें 3 बीघा जमीन दी गई, जिसके कारण एनक्लेव्स बॉर्डर के पनबारी मौजा से कनेक्ट हुए। 3 बीघा का कॉन्सेप्ट दोस्तों 1982 में पहली बार आया था, जब दाहग्राम और अंगारपोता ऑफ कोच बिहार को बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए केवल दिन में ही इंडिया ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन लीज पर दी। 2011 में यही 3 बीघा जमीन एक पेन एनक्लेव में ट्रांसफॉर्म की गई। इसका मतलब था कि ये पूरे दिन खुली रह सकती है, हालांकि ऑन ड्यूटी बीएसएफ के मुताबिक पैसेज 8:30 PM को बंद हो जाता है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली 1974 का जो इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट दोनों देशों की गवर्नमेंट्स द्वारा रेटिफाई होना था, बांग्लादेश ने तो इसे नवंबर 1974 में ही रेटिफाई कर दिया था, पर इंडिया ने करीब 40 साल इसका रेटिफिकेशन नहीं किया। इसलिए नहीं किया था क्योंकि इंडिया को ज़मीन का ज़्यादा लॉस हो रहा था, करीब 40 square kilometers का लॉस। लेकिन इंडिया ने दोस्तों 2015 में इन एग्रीमेंट्स को रेटिफाई किया और एनक्लेव एक्सचेंज कम्प्लीट हुआ। दोस्तों June 6, 2015 को लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट यानी LBA साइन हुआ, जो बांग्लादेश और इंडिया के लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। इस एग्रीमेंट ने 40 साल पुरानी इंडो बांग्लादेश एग्रीमेंट को रेटिफाई किया और 111 एनक्लेव्स का ट्रांसफर फैसिलिटेट किया। साधारण जनगणना का तारा कौन चिंता करे। 17,160 एकर्स इंडिया से बांग्लादेश में शामिल हो गए। कन्वर्सली इंडिया को 51 एनक्लेव्स मिले, जिसे इंडिया में 7,110 एकर्स ऐड हुए। इस हिस्टोरिक एग्रीमेंट के पहले दोस्तों 2011 में इंडियन फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह और बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना के बीच एक प्रोटोकॉल साइन हुई थी, जिसने एक तरह से इस एग्रीमेंट का स्टेज सेट किया था। हालांकि इस प्रोटोकॉल में इतना बड़ा लैंड मास एक्सचेंज नहीं किया जाना था। प्रोटोकॉल में स्टेटस को मेंटेन करते हुए करीब 2,000 से 3,000 एकड़ ज़मीन एक्सचेंज होनी थी। इस प्रोटोकॉल को एडवर्स पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस के कारण इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2015 LBA ने दाई खाता 56, मुहूरी रिवर बेलोनिया और लैतिलिया दुमाबारी में अनडिमार्केटेड लैंड बाउंड्री, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, एडवर्स पोजीशंस जैसे अनसॉल्व इश्यूज को इंप्लीमेंट किया, जो 2011 प्रोटोकॉल और 1974 एग्रीमेंट में बताई गई हैं। यह ऑफिशियल एक्सचेंज जुलाई 31, 2015 को किया गया था। इसका डिमार्केशन एक साल में कंप्लीट हुआ और दोनों साइड एनक्लेव्स में रहने वालों को दोनों देशों में से किसी भी देश की सिटीजनशिप लेने की च्वाइस दी गई। इसमें ये नोट करना ज़रूरी है कि बांग्लादेश को ज़्यादा ज़मीन मिली और इंडिया ने कम ज़मीन हासिल की है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों देशों के बीच अब फंसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है और बॉर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंटली कम हुई है। बांग्लादेश एम्बेडेड नज़र आते हैं। पर दोस्तों देशों ने बॉर्डर एनक्लेव्स एक्सचेंज का जो 40 साल लंबा रास्ता अपनाया है, वो काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि सारे मेजर्स डिप्लोमेटिक रहे हैं और फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये थी कहानी कॉम्प्लिकेटेड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। আসলে ভিডিওটা অনেক চমৎকার ছিল, কেননা আমরা শুধুমাত্র লম্বা ছিল বাট অনেক ইনফরমেশন ছিল, অনেক কিছুই আমরা কিন্তু জানতাম না এখানে। হ্যাঁ, অনেক কিছুই জানতাম না। আমরা জানি যে আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদেরকে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র ইন্ডিয়া আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছে, সেটা অনেকভাবেই, কারণ আমাদের শরণার্থী যারা ছিল তারা যেমন ওই দেশে ছিল, আমাদের মুক্তিবাহিনীরাও কিন্তু ইন্ডিয়াতে ট্রেনিং নিয়েছে। পাশাপাশি এর পিছনে যে আরও অনেকগুলো ঘটনা ছিল যেগুলো আমরা অন্য অন্য ভিডিওতে কখনো পাইনি, এই ভিডিওতে ডিফ্রেন্ট হতে পেয়েছি, যেটা হচ্ছে বর্ডার ইস্যু নিয়ে।
এবং বর্ডারের যে ইস্যুটা প্রথম ক্রিয়েট হয় 1947 সালে, তখন এটা যারা করেছিল ওই সময়কার নীতি নির্ধারক যারা ছিল তারা কিন্তু এক রাত না দুই রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ ডিসিশনটা দিয়ে যায়, অল্প সময়ের মধ্যে তারা ডিসিশনটা দিয়েছে। কারণ হচ্ছে যে খুব দ্রুতই চাচ্ছিল তারা 15 আগস্ট একটা সেটেলমেন্ট করার জন্য এবং ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার জন্য তারা জোর করছিল, সে কারণে ভাগাভাগিটা খুব দ্রুতই করেছে। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা দ্রুত করতে যে দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্কটা বা সুন্দর ওয়েতে করা যেত সেই ভাগাভাগিটা কিন্তু সেভাবে করা হয়নি, এবং এক দেশের মধ্যে আর এক দেশ চলে এসেছে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা শুনেছি যে এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ও ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে, মানে তখনকার পাকিস্তানের সঙ্গে আর ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্টের সঙ্গে, তারা কিন্তু আলোচনা করেই অনেক জায়গা কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যেও এক্সচেঞ্জ করেছে, এরকম আমি একটা ব্যাপার ছিল। অ্যাকচুয়ালি তখন যে ভাগাভাগিটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে পাকিস্তান ইন্ডিয়া তাদের যে ইস্যুগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে হচ্ছিল, এখানে যে পূর্ব পাকিস্তান ছিল এটা নিয়ে কিন্তু তারা আসলে চিন্তা করছিল না, এবং এখানকার জনগণের প্রতি তাদের কিন্তু আসলে ওইভাবে সমাদর ছিল না, যে কারণে কিন্তু আমরা আলাদা হওয়া আমাদের দেশে খুব জরুরি ছিল এবং হয়েও গেছে সেরকম। কারণ বঙ্গবন্ধু তখন যদি এইভাবে স্ট্রং অ্যাকশনে না যেতেন, তো 162টি আসনের মধ্যে উনি কিন্তু 160টি আসনই পেয়েছিল এবং উনি কিন্তু জিতে গিয়েছিলেন। তারপরও ওনাকে পিএম পজিশনে না বসে কিন্তু এটা ডিলেমি করছিল সব সময়ই কিন্তু, তারপরে কিন্তু আসলে ওনার পিছনে যে এত জনগণ থাকবে, সাধারণ জনগণ এত সাপোর্ট দিয়ে কিন্তু উনি কিন্তু সবার সামনে দাঁড়িয়েছে, সেই হিসাবে বলবো যে তখনকার বাংলাদেশ তৈরি করার পিছনে কিন্তু ওনারই অবদান। আর এই ব্যাপারে অন্য কোনো কিছু বলা যাবে না, কেননা উনি যে ভাষণটা দিয়েছিল 7ই মার্চ সেখান থেকে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার সূচনা হয়ে যায়, এবং তখনই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষজন বুঝে যায় যে হ্যাঁ আমরা স্বাধীন হতে যাচ্ছি, স্বাধীন হতে যাচ্ছে। আর আমার কাছে মনে হয় যে এই ভাষণটার উপরে অন্য কোনো কিছুই নাই, কারণ এরপরে কিন্তু আসলে বাঙালিদের মনের মধ্যে এক ধরনের যে শক্তি ছিল, আমি বলবো যে আমাদের হাতে কিন্তু অস্ত্র ছিল না, আমাদের হাতে কোনো কিছুই ছিল না, আমাদের কৃষকরা যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল বা স্টুডেন্ট যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিল, সাধারণ শ্রমিক জনগণ যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তারা কিন্তু আসলে এই অস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না বা দেশকে রক্ষা করতে হবে এই ধরনের কোনো কিছু ব্যাপারে তারা কিন্তু জানতেন না, তো সেখান থেকে তারা যে এই ব্যাপারটাকে নিয়েছে এবং এই ভাষণের পরে কিন্তু তাদের মনোবলটা যে দ্বিগুণ হয়েছে এবং দেশের জন্য লড়েছেন, তো সেই ব্যাপারটাকে আমি বলবো যে আসলে ওনার ভাষণটা অনেক জরুরি ছিল এবং ওনাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাও জরুরি ছিল জনগণের সামনে, কারণ উনি আসলে মূল খুঁটি। হ্যাঁ, যদিও আসলে যুদ্ধের সময়টা পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে যায়, সেজন্য আসলে যুদ্ধের সময়টা বাংলাদেশের মানুষজন কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে পায়নি, তারপরও তাদের মনোবল শক্ত ছিল যে আমরা যুদ্ধ করব, স্বাধীন করব এবং বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব, এবং আমরা কিন্তু ফিরে নিয়ে এসেছি। তার পরবর্তীতে 1974 সালে কিন্তু আসলে এই যে ইনক্লিপস নিয়ে যে একটা সমস্যা যেটা ছিল বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার মধ্যে সেটা নিয়ে চুক্তি হয়, তার ফলাফল পেতে কিন্তু 40টা বছর লেগে যায় এবং 2011 সালে আমরা ফলাফল পাই। বাংলাদেশ কিন্তু সেদিক থেকে বলবো যে তারা, আমরা কিন্তু ল্যান্ড দিতে চেয়েছি বা এটা এক্সচেঞ্জ করতে চেয়েছি, কারণ একটা দিক দিয়ে হ্যাঁ ওনারা বলতে চাচ্ছে যে বাংলাদেশের হাতে জমি বেশি চলে এসছে আর ওনাদের কাছে কম গেছে, তো আমার কাছে এই জিনিসটার থেকে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ যদি স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে এটা হচ্ছে বড় ব্যাপার, জমি আমার দিকে বেশি আসলো না ওনার দিকে বেশি গেল এটার থেকে আমার কাছে মনে হয় এটাই দেখা মুখ্যম ছিল এবং সেটা হয়েছেও, হয়তো অনেক ডিলে হয়েছে, রাষ্ট্রনায়করা তখন বুঝতে পেরেছে যে আসলে ওখানকার জনগণের কষ্টটা দূর করা ইম্পর্টেন্ট জমিটা না, এবং ফলশ্রুতিতে এটা হয়েছে। 2015 সালে এক বছর সময় দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে এবং ইন্ডিয়া থেকে, যারা বাংলাদেশে ফিরবে তারা বাংলাদেশে ফিরবে আর কেউ যদি ওখানে থেকে যেতে চায় ইন্ডিয়াতে তারা থেকে যেতে পারে, এভাবে কিন্তু একটা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থা দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে এখানে গোলাগুলি ছাড়াই বর্ডারটাকে এইভাবে আমরা এক্সচেঞ্জ করতে পেরেছি, অন্য অন্য জায়গায় যেমন পাকিস্তানের সাথে তাদের কিন্তু সবসময় একটা সমস্যা রয়েই গেছে, চায়নার সাথে সমস্যা রয়ে গেছে, আমাদের সাথে এতটা সমস্যা নাই যদিও আমরা অনেক ছোট একটা রাষ্ট্র,
সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে কিছু সমস্যা কিন্তু বর্ডারে এখনো রয়েছে, গোলাগুলির কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে, আমাদের এপাশে অনেক সাধারণ জনগণ কিন্তু মারা যায়। তো বলবো যে এই জিনিসটাও এখনো যাতে ওনারা সুন্দরভাবে আলোচনার মাধ্যমে, এত বড় জিনিস যেহেতু সেটেল করতে পেরেছে, তো সেক্ষেত্রে বলবো যে সমাধান করা উচিত এবং সমাধান হবে আশা করি। তো আজকের এই ভিডিওর উপর আমাদের রিয়েকশনটি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।